लोटस टेंपल और बहाई हाउस ऑफ वर्शिप, जो कि आज से 37 साल पहले 1986 में फरीबोर्स साहबा नाम के एक ईरानियन के द्वारा बनाया गया था, जो आज प्रेजेंट में कैलिफोर्निया के ला होया में रहते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ना ही ये टेंपल हिंदुइज्म से बिलोंग करता है, ना ही सिखिज्म से, ना ही जैनिज्म से और ना ही बुद्धिज्म से। यहाँ तक कि इसका इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल इस टेंपल को बनवाने वाली बहाई रिलीजन ने इस टेंपल की स्थापना ही इसी मकसद से की थी कि यहाँ किसी भी धर्म के लोग प्रार्थना करने आ सकें, और इसीलिए बहाई लोग खुद ये कहते हैं कि ये टेंपल किसी भी रिलीजन का प्रतीक नहीं है। दोस्तों, बहाई रिलीजन 19th सेंचुरी में बहाउल्लाह नामक एक पर्शियन के द्वारा ईरान में एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये एक अब्राहमिक रिलीजन है जो कि मोनोथियज्म में विश्वास करता है। पर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में इस धर्म के लोग भारत में रहते हैं, और अगर हाँ तो आज तक आपने इनके बारे में कभी टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर या मीडिया में कुछ सुना क्यों नहीं था, और आखिर इन्होंने ये आर्किटेक्चरल मार्वल को डिजाइन क्यों और कैसे कराया था। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बीच में तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। 2010 के डेटा की माने तो भारत के अंदर 2.2 मिलियन बहाई लोग रहा करते थे, और ऐसा हो सकता है कि आज 2023 में उनकी ये जनसंख्या दुगनी भी हो गई हो, लेकिन आज तक इनके बारे में हमें कुछ जानने और सुनने क्यों नहीं मिला है। आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दरअसल बहाई पूरे दुनिया के अंदर एक सबसे नया रिलीजन है, जिसकी स्थापना आज से मात्र 200 साल पहले 19th सेंचुरी में हुई थी। अब चूंकि उनका ये धर्म काफी नया है और इसके कुछ लाख फॉलोअर्स ही हैं, इसलिए पूरी दुनिया में बाकी धर्मों जैसी रिकॉग्निशन इन्हें कभी मिल ही नहीं पाई है, और यही वजह है कि भारत के अंदर भी लोग इन्हें बेहद कम जानते हैं, और तो और मीडिया भी इन्हें कवरेज देना नहीं चाहती है। बहाई हाउस ऑफ वर्शिप को सबसे पहले बनाने का आइडिया साल 1940 में बहाई कम्युनिटी ने भारत के अंदर रखा था, लेकिन उस समय पर चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से कई सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उस समय पर पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिर 1970s में जब फाइनली भारत की आजादी के 20 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली में बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के निर्माण के लिए बहाई कम्युनिटी को लैंड ग्रांट की, जिसके बाद इरेनियन आर्किटेक्ट फरीबोर्स साहबा ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और इसका डिजाइन यूके की एक फर्म फ्लिंट एंड नील ने 18 मंथ्स में पूरा किया। वहीं इसका कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि LNT के ECC कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा कंप्लीट किया गया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में टोटल $10.5 मिलियन का खर्च आया था, और इस फंड का मेजर पार्ट हैदराबाद के अरदाशी रुस्तमपुर ने अपनी लाइफ की सेविंग से निकाल के डोनेट किया था, जिसके बाद ही इस पर काम स्टार्ट हो पाया था। और 19 अक्टूबर 1977 को पहली बार रुहिये खानुम के द्वारा इस टेंपल की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। फाउंडेशन रखने के तकरीबन 9 साल बाद 24 दिसंबर 1986 को इसे पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद इसके समर्पण के लिए 107 देशों से लगभग 8000 बहाई इकट्ठा हुए थे, जिसमें सिर्फ अकेले भारत के 22 प्रोविंसेस के 4000 बहाई शामिल थे। इस समर्पण के पूरा होने के बाद ही 1 जनवरी 1987 को इसे हर रिलीजन के लोगों के लिए खोल दिया गया था, और पहली बार इसे देखने 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, लोटस टेंपल को बहाई स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर ही डिजाइन किया गया था। बहाई रिलीजन के फाउंडर के बेटे द्वारा लिखी गई स्क्रिप्चर के अनुसार बहाई हाउसेस ऑफ वर्शिप हमेशा ही 9-साइडेड और सर्कुलर होनी चाहिए, और यही वजह है कि लोटस के शेप में बने लोटस टेंपल में टोटल 9 एंट्रेंस गेट्स हैं, और इस पूरे टेंपल को एक सर्कुलर शेप में बनाया गया है। इसके साथ सारे बहाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप के जैसे ही लोटस टेंपल में भी एक डोम है, जिसके इंटीरियर में रिंग स्टोन का सिंबल डिजाइन किया गया, जिसमें भी टोटल 9 ओपनिंग्स हैं। दोस्तों, बहाई स्क्रिप्चर ये भी मेंशन करती है कि किसी भी टेंपल के अंदर कोई भी पिक्चर्स, स्टैच्यूज या फिर इमेजेस का डिस्प्ले करना जरूरी नहीं है, और इसलिए अगर आप लोटस टेंपल के इंटीरियर्स को देखेंगे तो वहां आपको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी।
अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये हाउस ऑफ वर्शिप कमल के फूल से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसका डिजाइन 27 स्वतंत्र रूप से खड़ी संगमरमर से बनी पंखुड़ियों से बना है, जो 9 साइड्स के रूप में 3-3 के ग्रुप्स में स्थापित किए गए हैं। इस टेंपल के लोटस शेप में होने की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल लोटस को प्योरिटी, सैक्रेडनेस, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज का प्रतीक माना जाता है, और इसलिए इस टेंपल को लोटस का शेप दिया गया है। इस टेंपल में टोटल 9 डोर्स हैं, जो कि 34.3 मीटर ऊंचे एक सेंट्रल हॉल में जाकर मिलते हैं, जहां टोटल 1300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। हालांकि इसमें एक बार में टोटल 2500 लोग फिट हो सकते हैं। इस टेंपल का डायमीटर 70 मीटर है और इसका सरफेस ग्रीस के पिंटेली माउंटेन से मंगाए गए व्हाइट मार्बल से बना है। लोटस टेंपल में 9 गेट्स होने के साथ साथ इसके चारों और 9 पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जो कि बहाई रिलीजन में नंबर 9 के इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, लोटस टेंपल जैसा मार्बल कई 100 सालों में एक बार ही बनता है, और इसके इसी मार्वेलस आर्किटेक्ट की वजह से इसे अभी तक 7 बार अलग अलग अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 1987 में द इंटरफेथ फोरम ऑन रिलीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अफिलियट ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स वॉशिंगटन DC ने फारीबोर्स साहबा को इस आर्किटेक्चरल वंडर को तैयार करने के लिए एक्सीलेंस इन रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया था। इसके बाद साल 1989 में इस टेंपल को अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने भी आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वजह से रिवॉर्ड किया था, एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 1994th एडिशन में इस आर्किटेक्चर को अपने समय का एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कहकर बुलाया गया था, जिससे आप ये गेस कर सकते हैं कि ये टेंपल कितना ज्यादा वर्ल्ड वाइड अपने आर्किटेक्चर को लेकर फेमस है। वैसे क्या आप अभी तक लोटस टेंपल विजिट करने गए, और क्या आपने नंबर 9 का कंसेप्ट वहाँ पर नोटिस किया है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।